पांडवा स्टेशन से लाया हूँ। पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था, मुझे बताया भी नहीं मणिपुर में कहाँ जाना है। अरे मंदिरा सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेशी पड़ा है वहाँ पर, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा तो लौटाने आया है बेचारा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू, ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती, तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। नहीं छोड़ता, दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर, क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जैसे तो चिट्ठियाँ मिली, एक किसी द्विजराज की। हाँ उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या। हाँ उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले पे गुदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा मोते का खार भी मिला था। हाँ वो तो मुझे। Yeah, we're gonna
उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में खरोंदा एक बनाया था।